सो है आज हम आइसक्रीम के स्टिक से एक एक्रेलिक पेंटिंग बनाने वाले यानी कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाने वाले कैनवास के ऊपर। सो लेट्स डू इट। इसके लिए मैं ले रहा हूँ एक मिनी कैनवास और एक ले रहा हूँ आइसक्रीम स्टिक। देन मैं यहाँ पे फटाफट से कलर करना स्टार्ट करूंगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले कैनवास को बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर और ब्लैक कलर से डार्कर शेड्स को दे रहा हूँ। थोड़े से लाइटर शेड्स के लिए मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे येलो रेड और ब्लू कलर लिया हूँ, उससे मैं यहाँ पे आइसक्रीम शेड्स से धीरे धीरे मैं यहाँ पे लगाऊंगा कलर्स को। तो आज के इस वीडियो में मैं एक फिश बना रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले मीडियम येलो कलर से ड्रॉ किया, फिर उसके बाद रेड कलर से मैं उसको डार्कर शेड्स दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से लाइटर शेड्स व्हाइट कलर से नहीं तो येलो कलर से दिया है। नीचे के साइड से मैं यहाँ पे ब्लू कलर यूज करूंगा और कहीं कहीं पे ब्लैक कलर यूज करूंगा ज्यादा डार्कर शेड्स को देने के लिए। फिन्स में भी मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का यूज करूंगा, उसके ऊपर भी मैं थोड़े से येलो कलर या फिर ऑरेंज कलर का यूज करूंगा। एंड में मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से डार्कर शेड्स को दूंगा और उसके बाद उसी ब्लैक कलर से माउथ का शेडिंग और आईज बना दूंगा। सो हमारा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।